फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे। ठीक है, कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर एक होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6 की। ये 8 की है तो ये भी 8 की। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो विवाद चालू हो गया। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चालू। कितने चतुर हो आप सब, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 9 नंबर बराबर की पहनते हो, एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शुमहा पुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर एक ही होना चाहिए, सबका समंजस मिलकर चलना चाहिए। हाँ, एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता, तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता। कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पांव में छाल आ जाए, पांव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए काटे जाए काटे जाए तो फिर छोड़ना पड़ता, फिर उसको नहीं रखना। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट दो। श्रेष्ठता नहीं, जूते कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी बोलो। जूते कपड़े और रिश्ते, जब ये तंग करने लगे, तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं है, ये अपने साइज के नहीं। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं है। कपड़े पहन रहे थे, टंगा गए, यहां से फटने लगे, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं है। और रिश्ते संबंध,
दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक ओर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए तुम्हें नहीं मालूम पड़ा, तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारी हा हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए। फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए, नौकर सुलट ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। दुनिया के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं सेठ जी सेठ जी, और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा है। भीतर से टूटता है, भीतर से। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहे। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल है। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई
सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि कादिक है और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ। अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है, इसलिए हमारी विठले सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठले सेवा समिति में आकर देखिएगा, कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मेरे पास में धन नहीं है, बेटियाँ बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर कर उनकी एजुकेशन कराने के लिए तत्पर रहती है। विद्या से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जितना मन सकता है दीजिए। विद्या से बड़ा दान है, देव कर सकते हो तो कर दो, पढ़ा लो, अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कोई चाह, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, कई छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, गुजरात के भी, पंजाब के भी और झारखंड के भी, जहां जहां लोग हमसे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी जहां से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। जब कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में कई बच्चों के पिताजी कम उम्र में 45-48 साल की उम्र में मर गए, बेटियां पढ़ना चाहती थी, बेटे पढ़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं है मां विधवा वेधव्य। और अगर ये कथा सुन रहे हैं वो सारे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे झारखंड के हो, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी में जब पिता चले गया, पिता जाने के बाद माँ अकेली पड़ गई और घर में तीन तीन चार चार बच्चे, उनकी एजुकेशन क्या, नव युवक, उसकी पत्नी जो कि पति 45 साल में 40 साल में 38 साल में चले गए और बच्चे छोटे और माँ के पास में कोई काम नहीं, क्या करे वो, कोई कोई माँ तो अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बर्तन मांज रही दूसरे के घर में। और उस समय पर जब सीहोर सूचना पहुंची विठले सेवा समिति को और समिति ने अपने अपने समिति ने यजमानों को फोन करना प्रारंभ करा, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़ के, साथ दो बच्चे हैं उसका खर्चा आप उठाओगे, आप पढ़ाओगे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज तक भी वो यजमान उन बच्चों को, दो बच्चे एक बच्चों को आज तक पढ़ा रहे और कोई सूचना नहीं समिति के पास में, फिर कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। जब उसके चेहरे से, जब वो बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और मिलते हैं, जब उनके चेहरे से पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, गुरुजी बहुत बढ़िया, अंकल खर्चा, वो तो कभी हमारे सामने नहीं आते, वो तो बस स्कूल में फीस पहुंचा देते हैं और हमारी ट्यूशन की फीस पहुंचा देते हैं और पढ़ा देते हैं गुरुजी। वो एहसान उस बच्चे की जिंदगी में, छोटे से बच्चे की जिंदगी में, बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पिता नहीं था तब इसने मुझे पढ़ाया। जब वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठे, जब वो पद पर ऊंचे ऊंचे औहदे पर जब वो बेटा बेटी बैठे हैं, तो खुशी होगी हमको भी और खुशी होगी पूरे क्षेत्र को भी कि वो बच्चा कामयाब हो गया। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है, पढ़ाओ अपने बेटे को भी, पढ़ाओ अपनी बेटी को भी, पढ़ाओ अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ। मेरा फिर निवेदन है, जैसे उस कल बच्चे ने हिम्मत कर कर कहा कि मैं 10वीं में पास हो गया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का क्योंकि मैं फेल हो रहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर आपकी कथा से मुझे ये बल मिला कि एक प्रयास और करो और फिर पढ़ो। और बच्चे ने मेहनत कर कर 10वीं पास करी, तो वो बच्चा बोल कर जाता है कि मैं 12वीं भी आपके कहने पर पास करूंगा। ये बच्चा
आज भले दुनिया के लोग हंसते हो कि दसवीं के रिजल्ट के लिए पत्र लिख दिया, दसवीं के रिजल्ट के लिए मैं तो बच्चों को धन्यवाद दूंगा, जब आठवीं का बच्चा भी मेरे पास में पत्र भेजेगा कि हम पढ़ रहे हैं, हम होशियार हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल टेंथ क्लास से ही मतलब नहीं, एट्थ क्लास का बच्चा भी जब भेजेगा ना लिख के कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारी एजुकेशन से कोई खुश हो चाहे नहीं हो, पर सियोर वाला महाराज तुम्हारी एजुकेशन से सबसे ज्यादा खुश हो। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। पढ़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और साथ में प्रयास करो कि कोई अगर है और उसको जरूरत है एजुकेशन की, उसको पढ़ाए। दान और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने जीवन में कुछ अच्छा, मान लो परिवार में रह रहे हो, इतना कमाने के बाद भी अगर परिवार के लोग तुमसे क्रोध में बात करें, गुस्से में बात करें, चिढ़ के बात करें, अकड़ के बात करें, चिल्ला के बात करें, तो दिल टूट जाता है कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ। कई बहुएं ऐसी हैं दिन भर लगी रहती है, दिन भर सुबह से उठती है, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब करती 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 करती, सबका खाना बनाकर, सबको खिलाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, पति का टिफिन भेजकर, आखिरी में दो रोटी खाने बैठती है, और उस समय भी अगर घर के लोग उससे चिढ़कर क्रोध में आकर अकड़ में, पति ऑफिस से आया और चिल्लाकर बात करे, बच्चे स्कूल से आए और चिल्लाकर बात करें, तो वो बहू भी अपनी आंखों से आंसू बहा देती है कि मैं दिन रात इनके लिए करती हूँ तो भी मुझे सुनना पड़ रहा है। आदर करो अपनी माँ का, आदर करो अपने पिता का, आदर करो अपने गुरु का, आदर करो अपने शिक्षक का, वो टीचर का भी आदर करो जो पढ़ाता है तुमको। वो शिक्षक का आदर करिए जो शिक्षक तुमको एजुकेशन के लिए तत्पर करता है, पढ़ाता है। अपने बच्चे को छोड़कर एक एक महिला शिक्षक, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे एक सरकारी नौकरी करने वाली महिला कोई हो, चाहे वो महिला शिक्षक हो, अपने बच्चे को घर छोड़कर आती है, और अपने बच्चे पर कम ध्यान देकर स्कूल के बच्चे पर अगर वो अच्छे से ध्यान दे रही है, तो ये जान लेना कि तू एक बच्चे को छोड़कर हजार बच्चे ऐसे तैयार कर रही है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उच्च पद पर विराजमान हो। ना ध्यान दिया, पांव में जूता एक ही नंबर का है, चप्पल एक ही नंबर की है। निवेदन है जूता कपड़ा और रिश्ते जब कष्ट देने लगे ये तीनों, तो समझ लेना कि ये हमारी साइज के नहीं है। कोई तुमको दिन रात कष्ट दे रहा है, भगवान कृष्ण की कथा आती है, उनके बुआ का लड़का शिशुपाल अपशब्द कह रहा है। सग्गी बुआ का लड़का था भगवान कृष्ण की, सग्गी बुआ का बेटा था भगवान कृष्ण की, और गाली पर गाली दे रहा था, तो भगवान कृष्ण समझ गए थे कि जूता कपड़े और रिश्ते जब कष्ट देने लगे तो समझ लो कि ये मेरे साइज के नहीं है, ये मेरी साइज के नहीं है, ये मेरी बुआ का लड़का होकर मुझे गाली देता है, ये मेरी बुआ का लड़का होकर अपशब्द कह रहा है, मेरे साइज का नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है। कोई ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर भी अगर आपको गाली दे, अपशब्द दे, बद्दुआ दे, तो समझ लो ये तुम्हारी साइज का नहीं है। बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ गए और मालूम पड़े तुमको गाली दे रहे हैं, तुमको अपशब्द कर रहे हैं, तुमको बद्दुआ दे रहे हैं, तुमको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, समझ लेना ये तुम्हारी साइज का नहीं है, ये तुम्हारी साइज का नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही ना सकई पराई विभूति। ऊंचे पद पर बैठने पर भी अगर आपका सुख उनसे देखा नहीं जा रहा,
समझ लीजिए कि आपके साइज के नहीं है। आप अपनी भक्ति में लीन रहो, आप अपने भजन में लीन रहो। साल भर में एक बार सावन के महीने में ऑनलाइन शंकर का अभिषेक होता है, कितनी बार जम के बोलो जरा, एक बार। और अब की बार तो 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन आया है जिस सावन को सोमवार से चालू होकर सोमवार को विराम हो रहा है, और शिवरात्रि 2 अगस्त की पड़ रही है, और रात्रि के पहले पहर शाम के 7 बजे मतलब पहले पहर की पूजन आप और हम पूरी दुनिया के लोग पूरे विश्व के लोग करेंगे। शाम को 7 बजे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, शिवलिंग मिट्टी का जरूर बनाओ और साथ में बैठकर 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल चालू करो, मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो और भगवान शिव की आराधना करो। चलते चलते मान लो बीच में कहीं लाइट चली गई, नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करना, शिव जी को एक लोटा जल और जो सामग्री लिखाई गई अगर दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर भी चढ़ा दोगे तो भी मेरा शंकर खाली नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भंडार भर ही। उत्साह के साथ पूजन करना, तुम्हें लगना चाहिए कि 2 अगस्त को मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी खुशी रखो उस दिन, इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। इतनी प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वेलकम टू माय होम लॉर्ड शिव, मेरे घर में आज शंकर आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय, बड़ी खुशी का विषय, आज मेरे घर में मेरा शिव आ रहा, मेरा शंकर। और शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक पूजन हो जाए, 8 बजे शंकर के उस शिवलिंग की थाली अपने सिर पर रखकर, थाली नगाड़ा ढोल मंजीरा ताली घंटी बजाते हुए घर के बाहर जाकर पात्र में विसर्जन कर दो। नदी तालाब बाजू में हो और ज्यादा पानी नहीं हो तो वहां कर सकते, पर अपने घर के बाहर जाकर उसका विसर्जन। प्रसन्न और एक बेलपत्री शिवजी पे से चढ़ी हुई, वो 7 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र शंकर पे से चढ़ी हुई अपने पास, उसमें से कामना कर कर बाबा से, बाबा मेरी ये कामना आज मैं प्रदोष काल में रात्रि के प्रथम पहर में शिवरात्रि का पूजन कर रही हूं। और कहते हैं रात्रि के पहले पहर की पूजन माँ पार्वती जी ने भी करी है, माँ सती ने, माँ उमा ने करी है, जो जो मांगा भगवान शंकर ने रात्रि के पहली पहर की पूजन में वो दे दिया है, आपको भी मिले। आप और हम ऑनलाइन पूजन को उसमें जुड़े करें, घर घर में शिवलिंग बने, घर घर में शंकर जाए, घर घर दरवाजा खोलकर मेरे बाबा का स्वागत करिए, मेरा शिव आ रहा है। प्रश्न किया, गुरुजी महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, आप सावन की शिवरात्रि को इतना बड़ा बना दिए, इतना इतना बड़ा बना दिए सावन की शिवरात्रि में, ऐसा क्या है? हमने कहा मां शिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं, पर पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर और पार्वती के हाथ में नहीं रहता, भगवान नारायण के हाथ में रहता है। 4 महीने जब भगवान नारायण विश्राम के लिए जाते हैं शेषनाग की सैया पर, तो पूरी सृष्टि का भार भगवान शंकर को दे जाते हैं, तो सावन उसी 4 महीने के अंदर पड़ता है जब शंकर के पास पद आ जाता है। किसी व्यक्ति के पास कुर्सी आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो साइन करने में देरी नहीं लगती है और वो साइन की कीमत होती है, इसलिए शंकर भगवान की ये सावन की शिवरात्रि शिव क्या दे देते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ता। मेरे भगवान शंकर किसका साइन कर दे, क्या दे दें, किसको दे दें? चोर को कुबेर बना देते हैं, भस्मासुर को अपना कंगर प्रदान कर देते हैं, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे देते हैं। अगर कोई पूछे ये सब कुछ कब दिया गया, भस्मासुर को कंगन कब दिया? श्रावण के महीने में। लंकाधिपति रावण को लंका कब दी? श्रावण महीने में। कोई पूछे कि इतना सब
चोर को कुबेर कब बनाया? श्रावण महीने में, क्योंकि चार महीने मेरे शंकर के पास में पूरी सृष्टि का भार है। जो विधायक के पद पर बैठा है, जो मंत्री के पद है, जो कलंत्री के पद पर बैठा है, जो कोई ऊंचे औहदे पर बैठा है, जब तक उसकी सत्ता है, कुर्सी है, तब तक जो भैया 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 तो वो अब पद ही नहीं रहे जब, फिर उस समय पर हाँ भैया जब बात करो। इस समय तो सावन के महीने में तो तुम जैसे भजो, जैसा तुम्हारा मन पड़ जाए वैसे भजो। शाम को 7 बजे जैसे ही शंकर जी के सामने बैठो, पूजन की थाली लगाकर शिवलिंग तैयार कर बैठो, भगवान की आराधना करने के लिए बैठो, उससे भजन करते हुए खूब लाड़ प्यार से ऐसा उमंग तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे दुख मिटाने के लिए आज मेरे घर में प्रवेश कर रहा है। करेगा एक पत्र है, मेरा नाम ललिता यादव है, पति का नाम ऋतुराज यादव है, मैं भिलाई 3 की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ललिता यादव है, पति का नाम ऋतुराज यादव है, पता भिलाई 3 की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं, और अगर बच्ची साथ में आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। मेरी बेटी का नाम लाबी यादव है, उसका जन्म 28/12/2018 को हुआ, अभी क्या चल रहा है जम के बोलो? 2024। जन्म कब हुआ है? 28/12/2018 को। मेरी बेटी जन्म से ही बोल नहीं पाती थी, हम लोग बहुत परेशान हो गए, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन में आया कि ये बच्ची बोल नहीं सकेगी, इसके जन्म से ही इसकी जिभ्या इसकी तालू बेकार, ये नहीं बोलेगी। डॉक्टरों ने कह दिया इसकी आवाज नहीं आ सकती कभी भी, अब करें तो करें क्या? 18 में जन्मी, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब निकलता चले गया, अब करें क्या? बच्ची की आवाज नहीं आई, वाणी नहीं आई। तब किसी ने कहा, पड़ोस में एक दादी रहती हैं, उन्होंने कहा टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं और शंकर की कथा का वाचन करते हैं, हमने सुना है कि शिव कथा सुनने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, तू टीवी के सामने उस बच्ची को बिठा, कथा सुनवा। छोटी सी बच्ची को हम टीवी के सामने बिठा देते, कथा सुनवाते, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा, बच्ची को रोज मंदिर ले जाती, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बिठाती और पिलाती, और बेटी से कहती शिव का नाम ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बेटी बोल नहीं पाती। बहुत बहुत प्रयास किया, तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लोग कहते हैं कि ये क्या दे दिया मिश्रा जी ने, पर कोई मुझसे पूछे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, आज मेरी बेटी इतने सालों के बाद बोलना प्रारंभ कर दी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आज मेरी बेटी के मुख में वाणी आ गई, जो बोलती नहीं थी निपट गूंगी, डॉक्टर ने कह दिया था ये नहीं बोल सकती, उसके मुख में वाणी, उसके मुख में वाणी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलके गुनगुनाते हैं, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,
में भी खड़ी हूँ पाए पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा बोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हो उठा लो। एक पत्र और है मैं कमलेश कुमार साहू नाम लिखा है इन्होंने कुसारी डी ही सही बोले हम आप ही हैं। हाथ हिलाओ एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यो कुसारी डी कन्हैयापुर चौक दुर्ग के निवासी हैं। आइए मेरा बेटा भावेश कुमार साहू गोत्र गुरुपंच जन्म से सुनता नहीं है और बोल भी नहीं पाता। जब ना बोल पाता था ना सुन पाता था जन्म से, इसके कान भी नहीं थे, इसकी वाणी भी नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये ना बोलेगा ना सुनेगा। गुरुदेव बच्चा बड़ा होते चले गया पर इसकी आवाज नहीं आई ना वाणी आई ना कान की शक्ति। तब किसी ने कहा सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण कहता है टीवी के सामने सुनाओ। हमने बेटे को टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनवाई, बच्चे को लेकर हम सियोर पहुंच गए। हमने सुना है सियोर का कंकर शंकर है, हम कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को कंकर को लाए, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को जल चढ़ावाते और वो जल अपने बेटे को पीने को दे देते। बच्चे को भी लेकर मंदिर जाते, नंदी के पास बिठाकर शिव नाम खिलवाते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाते। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये बोलेगा नहीं सुनेगा नहीं, आज मेरा बच्चा बोलता भी है और सुनता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए माइक में ऊपर ऊपर बैठो। श्री शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय हर हर हाय हाय महादेव। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही
करा गया भरोसा, शंकर ने वाणी भी दी है और श्रवण शक्ति भी दी। पत्र में इस भाई ने लिखा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव पुराण और भोलेनाथ कर सकता है। शिव पुराण कर सकती है और भोलेनाथ कर सकता है। उसमें सबसे जरूरी है आपका विश्वास, उसमें सबसे जरूरी है आपका भरोसा, उसमें सबसे जरूरी है आपका विश्वास, उसमें सबसे जरूरी है आपका भरोसा, उसमें सबसे जरूरी है आपकी दृढ़ता। जिस दिन आपने, जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं और जितने बहन भाई YouTube Facebook पर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवरात्रि के दिन आपने ये सोच लिया कि शंकर मेरे घर में आए हैं और मेरा दुख कटेगा, जैसे कल कहा गया था ना कि घड़ी में आप सोच लेते हो कि मुझे इतनी बजे, घड़ी में अलार्म भरा और सोचा ऐसा ऐसा, तो वैसा उससे पहले उठा, तुमने सोच लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, तो यह पक्का है कि दुख मेरा महादेव जरूर काटेगा। विश्वास पक्का हो गया ना, भरोसा दृढ़ हो गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हक तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। विश्वास की जागृतता अपने भीतर करो। जिस दिन विश्वास की जागृतता हो गई उस दिन शिव मिलेगा। घर में रहो, परिवार में रहो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, पर प्रेम के साथ रहो, स्नेह के साथ रहो, द्वेष के साथ नहीं, प्रेम के साथ। आइए डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी आवाज और श्रवण शक्ति दोनों नहीं आई, पर लिखने वाले ने, वो कहते हैं ना, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, पर देव अधिदेव महादेव विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटा देता है, वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान विधाता लिख दिया कि तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में ये कष्ट है, तुम एक लोटा जल तो चढ़ाओ, तुम जाओ शिव के दरवाजे शंकर की चौखट पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो।
कैसे नहीं सुनेगा। हम थोड़े दिन तक लक्ष्य तक चलते हैं फिर भटक जाते हैं। अभी आप अभी 2 अगस्त की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। श्रावण की शिवरात्रि की पूजन करोगे, उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे, ऑनलाइन से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, भड़काएंगे, जिससे तुम पूजा से विमुख हो जाओ। भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो मुझे तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं, अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे, तब अपनी बुद्धि में ये विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपना अपना मन चाह नाटक देखते हैं, मन चाह कथा सुनते हैं, अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई कहे बैठ जाओ, बैठ गए, कोई ने आपको गाली दे दी, आप रोने बैठ गए, किसी ने अपशब्द कह दिया, आप रोने बैठ गए, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया, नहीं, अपना रिमोट अपने पास में रखिए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कोई कुछ भी कहे, अपने को जैसा जीना है वैसे जियो, अपने को जैसा जीना है वैसा जियो, फुल एंजॉय में अलमस्त होकर जियो। ये मानव का शरीर दूसरी बार नहीं मिलना और किसी को नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, हम उनसे पूछते हैं तुम जाके बता कर आओ नरक है क्या। कोई कहते हैं कि स्वर्ग जाओगे, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर, और दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है शंकर का दर, एक लोटा जल चढ़ा उससे बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। शिव के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर। घर में आराम से रह रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, फुल प्रेम से आराम से सो रहे हो, भरचक नींद भी आ रही है, चकाचक मम्मी रोटी भी दे रही है, खूब प्रेम से सब मिल रहे हैं, तो इससे बढ़कर स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़कर स्वर्ग कहां हो? किसने देखा? जो मर कर गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम स्वर्ग में है कि नरक में, और जो जिंदा है वो जाते नहीं है तो बताएगा कौन कि नरक है कि कहां, कि स्वर्ग है कि कहां। फुल एंजॉय में जियो अपनी खुशी, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, फुल एंजॉय जीवन का एक आनंद, अपनी प्रसन्नता होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया मुंह उदास कर बैठ गए, मतलब तेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है इसलिए वो दबाता है और तू रोने बैठ जाता है, उसने कहा और तू मुंह उदास कर लेता है। तेरा रिमोट तू अपने पास रखना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कोई कह दे कि शिवरात्रि का पूजन मत करो और तुम नहीं करो, किसी ने मैसेज डाल दिया मत करो मत करो, अरे अपना मन होना चाहिए, मेरा मन। हम दूसरे से थोड़ी ना कह रहे हैं कि तू कर, हमारा मन।